छत्तीसगढ़ रायपुर में 29 मई को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के नवीन विश्राम भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में उन्हें कंट्रोल यूनिट और VVFT से संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और ECIL हैदराबाद के अधिकारियों ने भी इसकी जानकारी दी व प्रशिक्षण दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य के सभी जिलों में EVM VVFT के प्रथम स्तरीय जांच के लिए कार्यक्रम जारी किया गया। बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य में उपलब्ध कुल 1,27,444 EVM एवं VVPAT के प्रथम स्तरीय जांच का कार्य प्रत्येक जिला मुख्यालय में आगामी 10 जून से 27 जून तक किया जाएगा। इसके लिए 26 दलों का गठन किया गया है। FLC है, फर्स्ट लेवल चेकिंग है EVMs का, उसके बारे में आज सर्किट हाउस में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ने, जो 33 जिले हैं उनके जिला निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशाला रखी गई थी। जो FLC का कार्यक्रम है वो सभी रिकग्नाइज स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को जारी किया जाएगा 10 जून से 27 जून के बीच में, यानी 18 दिवस के कार्यकाल में। राज्य में जो हमारे चुनाव होने वाले हैं उसमें लगने वाली लगभग 1,27,444 मशीनों का, यानी कि CU, BU और VVPAT उनका जो है फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा। ये जो शेड्यूल है सभी हमारे दिल्ली जिलों के लिए जारी होगा, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। जो 266 ECIL के इंजीनियर्स है, ECIL हैदराबाद की एक PSU है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और ECIL के जो इंजीनियर्स है उनके सहयोग से जो है ये प्राथमिक जांच कराई जाती है संपादित। प्राथमिक जांच में जो हमारे EVMs रहते हैं उन EVMs को तैयार किया जाता है चुनाव के लिए, और ये सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी उपस्थिति में कराया जाता है। और FLC की संपूर्ण प्रक्रिया, इसमें BU की तैयारी, CU की तैयारी और VVPAT किस तरह से होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, पुलिस बल कैसे लगेगा, पुलिस सुरक्षा कैसे होगी, उसके बारे में आज की कार्यशाला में बताया गया था। और 10 जून से ये प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। एक टीम में लगभग 10 से 12 DCIL के इंजीनियर्स रहेंगे, और ये हर जिले में जो है तकरीबन हर, जैसे रायपुर है बड़े जिले है, 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहाँ 18 दिन बिताएंगे, और जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका 6 से 7 दिन का। उसके बाद में जब FLC कंप्लीट हो जाएगा तो सारे EVMs को FLC EVM स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया जाएगा, और इसमें जो है संपूर्ण पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत 24/7 CCTV कैमरा में ये होगा। जो हमारे FLC प्रक्रिया है उसमें भी संपूर्ण वेबकास्टिंग होगा, पूरी प्रक्रिया का जो है हम लोग वेबकास्टिंग करेंगे, और ये लाइव कवरेज और लाइव फीड सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रतिदिन 10 जून से लेकर 27 जून तक ये सीधे ECIL इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में ट्रांसफर होगा, और DO और CO कंट्रोल रूम पे भी ये लाइव फीड अवेलेबल रहेगा।